खबर मुंगावली से। नंदलाल के जन्मोत्सव पर भजन संध्या का भव्य आयोजन। हर साल की तरह एक बार फिर से भजन संध्या का आयोजन यादव महासभा और समस्त कृष्ण भक्तों के द्वारा नगर परिषद ग्राउंड में किया गया। श्री कृष्ण का जन्म पूरे भारत में मनाया जाता है और इस क्रम में विगत कई वर्षों से यादव महासभा भी चल समारोह के उपरांत एक भव्य भजन संध्या का आयोजन करती है। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध लोकगीत और भजन गायक रामकिशोर जी मुखिया की मंडली ने इस कार्यक्रम को इतना मोहक बनाया कि लोग उनके द्वारा प्रस्तुति में बंधे नजर आए। उन्होंने कृष्ण को अलावा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और दुर्गा माँ के भजनों से शुरुआत की। एक संगीतकार की कला का असल परिचय तब होता है जब लोग सिर्फ उसमें डूबे नजर आएं और मुखिया जी के नाम से व्याख्यात रामकिशोर जी इस हुनर में पारंगत प्राप्त हैं। इस कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में लोग बारिश होने के बाद भी मौजूद रहे। कृष्ण के प्रति लोगों में जो अटूट आस्था है शायद उसकी झलक इस कार्यक्रम में दिखाई दी। इस कार्यक्रम की शुरुआत श्री बांके बिहारी की आरती से हुई जिसमें समस्त आयोजक मंडल ने श्री कृष्ण से संपूर्ण मानव समाज के कल्याण की कामना की। इसके तत्पश्चात आयोजक मंडल के द्वारा भजन मंडली बाहर आए, अतिथि और पत्रकारों का सम्मान फूल माला पहनाकर किया। आयोजक मंडल ने बताया कि समय समय पर समाज के उत्थान में इस तरह के आयोजन होते हैं जिससे लोग धर्म के प्रति आस्थावान बने रहे। परणय में जब पुत्र बंधे तो पाई सिया है जनकपुर नेपाल में। तो बाप की शादी विदेश में, मोड़ा की शादी परणय में जब पुत्र बंधे तो पाई सिया है नेपाल। आज सुरुबा असुर को काट रही सुहावन है आज झूमेंगे गाने। हुआ है सार्थक जीवन। जितने लोग बैठे कान खोल कर सुन लो, जो घड़ी आप मना रहे हो बलवी भाई, जो घड़ी मना रहे हो इस घड़ी को देवता तरसते हैं। देवता वो देवता है जरूर, लेकिन ऐसा जन्मदिन नहीं मना सकते भगवान का जैसे आप लोग मना रहे हो, हम लोग मना रहे हैं। यही तो अंतर है, इसीलिए तो मनुष्यों ने श्रेष्ठ मानी गई है। जिस चीज को देवता तरस लाइन आए इधर तुम्हारे यादव जुड़े भारत मारे हमारे यूपी के यादव मारे ज्यादा आदर मारी हमारा समय। खबर भारतवर्ष के लिए मुंगावली से राजीव राय की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।